नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई विकास। आप देख रहे हैं विकास मोबाइल टेक। दोस्तों, आज का वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं, चाहे देखिए स्मार्टफोन हो, कीपैड फ़ोन हो, ऑल इन वन, ठीक है, मोबाइल कोई सा भी हो चलेगा। प्रॉब्लम एक ही है कि फुल फोटिंग की, ठीक है, कि जब भी हमारे मदरबोर्ड में फुल फोटिंग आ जाती है तो उसे रिमूव करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने मदरबोर्ड को ओपन कर लेना, ठीक है, और उसके बाद में आपको करना क्या है कि मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि जो हमारा मदरबोर्ड है वो फुल फॉट है या फिर हाफ फॉट है। फुल फॉट में आपको पता है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और यहाँ पे कनेक्शन लगाएंगे माइनस प्लस में। अगर जो बीप मोड में आता है या फिर 4-5 तक रीडिंग आती है, और अगर जो हमारा यानी कि बीप दे रहा है मल्टीमीटर, और कभी कभी 20-25 तक यानी बीप भी नहीं देता है, तो वो हमारा यानी कि फॉटिंग ही होता है, यानी फुल फॉटिंग की करीब भी होता है 20-25 तक भी, लेकिन 0 पर 1-2 पर तो फुल फॉट ही होता है। तो इसको रिमूव कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसे रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है आप एक इस प्रकार की बैटरी लीजिए, ठीक है, या बैटरी देख रहे हैं ना 3.7 वोल्ट की है, ठीक है। और अगर जो आप इस प्रकार की बैटरी नहीं ले सकते तो आपको करना क्या है कि आपको एक मोबाइल की बैटरी लेनी है FE, ठीक है। और इस बैटरी के यहाँ पे ये वाले जो नक्का होते हैं ना, जो कनेक्ट होते हैं मोबाइल, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट, कुछ रजिस्टर, कुछ कैपेसिटर वगैरह लगा के वो किया जाता है। एक यानी कि जैसे कि जैसे हमारी नदी में पानी बह रहा होता है, तो उसे पानी को यानी कि एक टक्कर बनाई जाती है, आपने देखा होगा, जैसे कि बीच बीच में बांध बना दिए जाते हैं, है ना, पानी को रोकने के लिए। तो वो कुछ ऐसे काम करता है कि हमारा जैसे कि बैटरी है ना, जब फुल चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिक करंट लेना बंद कर देता है, इसलिए यहाँ पे इन पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ज़्यादा मत सोचिए इसके बारे में आप लोग कि इसे निकालने के बाद क्या होगा। देखिए, आपको एक बैटरी ले लेना है और इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद में बैटरी के डायरेक्ट पॉजिटिव पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव दो वायर फेड कर लेने, ठीक है, अगर आपके पास ये वाली बैटरी नहीं है तो। तो फिर अब आपको करना क्या है, जैसे मैं ये वाली बैटरी ले लेता हूँ, अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे ला करके डायरेक्ट जो फुल फॉट मदरबोर्ड है उसमें प्लस में प्लस को ऐड करना है, और जैसे ही आपको करना क्या है कि माइनस वाले पे जब टच करोगे तब फुल फॉट होता है, तो जो पार्ट हमारा यानी कि जैसे ये कैपेसिटर हो गया या फिर ये हमारा जो प्रोसेसर है, ठीक है, CPU हो गया या फिर GPU हो गया, जो भी नेटवर्क IC यानी XYZ कहीं पर भी कोई फॉल्ट है, होगा क्या कि हमारी PC में एकदम से फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, धुआं निकल जाएगा, धुआं उसका, ठीक है। तो अगर जो हमारा IC शॉर्ट सर्किट है तो आप समझ सकते हैं IC को तो चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फुल फॉल्टिंग को पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि अगर जो फुल फॉटिंग है, अगर उसमें कैपेसिटर में है या फिर मानो कि नेटवर्क IC में है, और ये छोटे से पार्ट्स होते हैं जिनमें आप यानी फुल फॉटिंग हो जाती है, तो फिर हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी जैसे कि मानिए हमारा अगर जो प्रोसेसर हीट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही है कि प्रोसेसर अगर जो हीट हो रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसे अगर जो आप चेंज, मेरे को तो नहीं मिला आज दिन तक मार्केट में नहीं मिला है, रिवॉल तो हम कर सकते हैं, फिर रिफोल्ड कर देंगे, ठीक है, लेकिन अगर जो वो हीट हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, तो प्रोसेसर जो हीट होते हैं उन्हें आप बाहर निकाल करके यानी कि फैट भी कर लें, वो हीट वगैरह देके, तो कुछ नहीं होता यार, काम नहीं करते, मुझे पक्का पता है, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारी जो फॉटिंग है वो अगर हमारे कैपेसिटर या नेटवर्क IC या छोटे अदर किसी पार्ट्स में या मदरबोर्ड में, तो वो हम निकाल देंगे। और ये सिंपल ट्रिक है कि आपको जैसे यहाँ पे कनेक्शन देंगे आप, और यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।